आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नंबर 4 है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो थर्ड में हमें मल्टीप्लाई करना था, फोर्थ में हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1356, तो इसका जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं यहीं से। पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, पीछे 8 है तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, पीछे 4 है तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, पीछे 2 है तो 2 9 जा 18, 2 6 जा, पीछे 6 है तो 2 48 जा, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आप देखते हैं कि ट्रिपलेट किस किस की बनती है पेयर। एक बन गई 2 की, दूसरी बन गई 2 की, तीसरी भी बन गई 2 की। अब बचा कौन सा नंबर जिसकी पेयर नहीं बनी, ट्रिपलेट नहीं बनी, वो बचा 3। यानी कि इस 3 से अगर हम 1536 को डिवाइड कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर है 3। नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर 3 हो गया। इसी तरीके से इसका कर लेते हैं फिर। अब यहां पर जो है वो 5 और 8 13, 13 और 9 13, 8 5 13, 13 9 22, 22 और 1 23, तो ये तो कटेगा नहीं। 5 है इसके पीछे तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 48, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। ठीक है, उसके बाद फिर 9 7 16 2 18 और 1 19, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आप 13 से देख लेते हैं ऐसे, 13 1 जा 13, बचा 8, आया 89, और 13 7 91, 13 6 78 है ना। तो 89 में से 78 गया, 11 बचा, 11 11 और 1 117, 13 9 जा 117। तो ये 13 13 जा हो गया, 169, ये 13 1 जा हो गया। अब पेयर बन गई ट्रिपलेट इसके अंदर 13 की, बचा क्या 5। ठीक है, तो अगर 5 से इसे डिवाइड कर दें तो ये जो है वो एक 13 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आंसर विल बी 5, इसका आंसर 5, इसका आंसर 3। तीसरे पे आते, थर्ड पार्ट पे, पीछे 2 है तो 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, पीछे 6 है तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, पीछे 8 है तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, पीछे 4 है तो 2 1 जा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, पीछे 2 है तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, पीछे 6 है तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 2 जा और 4 जा, फिर 2 1 जा 1 जा और 2 जा, फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 28 जा, फिर 2 14 जा, फिर 2 7 जा और 7 1 जा। अब ट्रिपलेट देख लेते हैं, एक ट्रिपलेट बनी ये, एक ट्रिपलेट बनी ये, एक ट्रिपलेट बनी ये और एक ट्रिपलेट बनी ये। ये 4 ट्रिपलेट जो है वो 2 2 की कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन नीचे एक नंबर बच जाता है जिसका कोई साथी नहीं है और वो है 7। ठीक है, तो 7 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, दो लाइनें आप अपने आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। अब ये 3 पार्ट हो गए इसके, एक चौथा पार्ट इसका और है, फोर्थ, वो भी इसी में करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लें, ये है 13718। फोर्थ पार्ट जो है इसका वो है 13718। अब यहां पर पीछे 8 है तो 2 से 2 6 जा 12, 17 हुआ, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है, अब यहां पर जो है वो ये क्या है, 9 5 14 8 22 और 6 28, यानी कि ये 9 और 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये किसी टिपिकल नंबर से ही जाएगा जो कि प्राइम नंबर होगा। तो करके देखते हैं, यहां पे 19 से करके देख लेते हैं, 19 3 जा 57,
ठीक है, अब 57 किया 68 में से तो 11 बचा, 115 आ गया, ठीक है। तो अब 19 7 जा आ गया आपका 9 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 19 5 जा 95, तो ये आ जाएगा आपका 115 में से 19 5 जा 95, ठीक है। अब 115 में से हमारे पास, एक मिनट मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ये टिपिकल नंबर्स जो है वो आसान नहीं होते हैं। 19 3 जा 57, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 115 आ गया। 19 5 95 और 19 6 और यानी कि 19 6 6 54, 6 कम, हाँ 19 6 114 बचा 1, उतारा ये वाला 9, 19 1 19, तो ये 361 टाइम्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। 361 टाइम्स ये आ गया। फिर 19 19 19 जा 19 19 जा 361 होता है, और फिर 19 1 जा 19 होता है। अब पेयर बन गई 19 की, बचा कौन सा नंबर अकेला, खाली 2, तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, 2। दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।